hello you all welcome back to sana's channel if you came here for the first time and wondering about this girl sitting in front of you hi my name is sana and i do post beauty related content on my channel if you haven't subscribed my channel then what are you waiting for just go and hit the red subscribe button with the bell icon too then only you will be updated about my youtube videos so in today's video i am going to share some tips and tricks jo आप लोगों को अपने मेकअप रूटीन में ऐड करना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल 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 भी नहीं करना चाहिए अपने मेकअप रूटीन में जिसकी वजह से आपके यू you नो know, बेस में पैचेस आ जाते हैं और आपका बेस बहुत ज्यादा केकी केकी लगता है सो so, अगर आप वो सारी चीजें अवॉइड करोगे सो यू शुड गेट दैट फ्लॉलेस मेकअप बेस ओके गाइज सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस वीडियो देन यू शुड कीप ऑन वॉचिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर करने वाली हूं लाइक like, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मिस्टेक्स मैं कर चुकी हूँ अपने मेकअप रूटीन में वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि वो मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है गलतियाँ करके हम सीखते हैं यार सो मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं पहले अपने मेकअप रूटीन में जिसकी वजह से मेरा भी बेस बहुत ज़्यादा यू नो पैची पैची केक ही दिखता था उतना कुछ मज़ा नहीं आता था बट अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है मुझे समझ में आ गया है कि मैं क्या मिस्टेक्स करती थी जो आप लोगों ने अवॉइड करना है सो so, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसा नहीं है कि मैं हवा में ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी ऑडियंस वो मिस्टेक्स ना करें एंड आप लोगों को भी वो फ्लॉलेस मेकअप बेस मिले ओके okay, तो so, सबसे पहला स्टेप हमारे मेकअप रूटीन का क्या होना चाहिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं आप लोगों को याद होना चाहिए मैंने कितनी बार बताया अपने वीडियोस में अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ओके okay? तभी तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है आई नो जो मेरे सब्सक्राइबर है जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को तो वो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं अभी तक उन्हें पता ही होगा कि फर्स्ट स्टेप हमारा मॉइस्चराइजर होता है ना अगर हम बात करें मॉइस्चराइजर की तो ये सारी मिस्टेक शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा और शायद अभी भी कर रहे होंगे मैंने भी ये मिस्टेक की है तो क्या है वो मिस्टेक हम क्या करते हैं अपने बॉडी लोशन को ही अपना फेस मॉइस्चराइजर बना लेते हैं जो मिस्टेक मैंने भी किया है मैं भी पहले अपने बॉडी लोशन को अपने फेस पे लगाया करती थी विच इज़ टोटली टोटली रॉन्ग ये जो आपको दिख रहा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नरिशिंग लोशन बॉडी मिल्क सोहनी दिस इज फॉर योर बॉडी नॉट फॉर योर फेस मैं भी पहले अपने बॉडी लोशन को अपने फेस पे लगा लेती थी देन उसके बाद मुझे फील होता था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है मेरे फेस के लिए बहुत ज़्यादा यू नो ऑयली ऑयली लगता है सो so, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे फेस मॉइस्चराइजर लेना चाहिए जो हमारे फेस के लिए बना हुआ है ना ये हमारी सबसे पहली गलती हो जाती है मेकअप रूटीन की कि हम अपने बॉडी लोशन को ये अपना फेस मॉइस्चराइजर बना लेते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है सो so, इसको बिग नो फॉर योर फेस हमें क्या करना है एक फेस मॉइस्चराइजर लेना है मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं उससे यू you नो know, ऐसे डुई फिनिश मिलता है हमारे मेकअप बेस को और बहुत ज़्यादा हमारी जो स्किन रहती है हेल्दी फील होती है और यू you नो know, बहुत ज़्यादा हमें हाइड्रेशन मिलता है अपनी स्किन में ड्राई फील नहीं होता पैचेस नहीं आते सो so, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लो जिस जो जेल फॉर्म में हो नॉट दैट थिक थिक वाला मॉइस्चराइज़र जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जेल फॉर्म में हो एक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ वो है माय ऑल टाइम फेवरेट पॉन्ट सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र आप ये वाला ट्राई कर सकते हो ये जेल फॉर्म में है काफ़ी 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 अफोर्डेबल भी रेंज में अवेलेबल है ये सो आप ये ट्राई कर सकते हो या फिर आप कोई दूसरा भी अच्छा वाला मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट कर सकते हो जो जेल फॉर्म में हो ऑयली स्किन अगर है आपकी तो वो आपके लिए बेस्ट 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 होगा ट्रस्ट मी सेकेंड मिस्टेक जो हम मॉइस्चराइजर लगाने के टाइम करते हैं वो ये है कि हम क्या करते हैं जब मैं ये वाला बॉडी लोशन अपने फेस पे यूज करती थी ना तब मैं क्या करती थी इसे ओपन करती थी सिंपली इसे अपने यहाँ पर पाम पे ले लेती थी और इसे ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पे लगा लेती थी, थी जो बिल्कुल गलत है बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कोई भी चीज़ लेकर अपने यू नो ऐसे रब करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत हार्श हो जाएगा आपके फेस के लिए फेस बहुत ज़्यादा यू नो सेंसिटिव होता है हमारा सो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है उससे क्या होता था मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं ऐसा करती थी ना तो मुझे पिम्पल्स आते थे या फिर वो बम्स आ जाते थे यहाँ पर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें फिंगर्स पे लेना है अपनी मॉइस्चराइज़र को और फिंगर्स की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से हमें पूरे फेस पे मसाज करना है बिल्कुल यू you नो know, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है इतना यू you नो know, खुद का ही फेस है यार क्यों इसे तकलीफ देना है ना तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मसाज करना है ओके okay, सो so, मॉइस्चराइजर के बाद आता है प्राइमर प्राइमर के टाइम हम मिस्टेक ये करते हैं मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है इवन मैंने भी ऐसा खुद किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ हम एलोवेरा जेल को प्राइमर मान लेते हैं बेसिकली प्राइमर का, का काम क्या होता है प्राइमर का, का काम ये होता है कि प्राइमर जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसे ब्लर आउट करने में हेल्प करता है उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करता है ताकि वो जो पोर्स है वो ज़्यादा दिखे ना हमारे बेस पर तो ये काम होता है प्राइमर का प्राइमर का एक और काम होता है वो ये है कि प्राइमर हमारे मेकअप बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है बट अगर हम बात करें एलोवेरा जेल की सो so मुझे नहीं लगता जब मैं खुद भी पहले प्रा, एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल को यूज़ कर चुकी हूँ हाउ टू पिट आई वॉज लाइक जब मैं एलोवेरा जेल यूज करती थी ना तो सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती थी कि मेरा बेस मेकअप बेस कुछ टाइम के बाद ना काला पड़ने लग जाता था ऐसे डल डल लगता था आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ भी हुआ है कि नहीं बट मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था मुझे समझ में नहीं आता था कि यार मेरा फाउंडेशन तो इतना अच्छा है कंसीलर भी अच्छा है फिर ऐसा डल और काला क्यों पड़ जाता है देन आई रियलाइज की मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ इसलिए उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल को स्किप कर दिया बिल्कुल हटा दिया उसे अपने मेकअप बॉक्स में से उसकी बजाय मैंने एक सिलिकॉन बेस प्राइमर परचेज किया उसके बाद मैंने देखा कि बिल्कुल भी मेरा बेस काला नहीं पड़ने लगा बहुत ज्यादा यू you नो know, फ्लॉलेस बेस मिलने लगा मुझे मुझे समझ में आया कि मैं मिस्टेक ये कर रही थी कि मैं प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल यूज कर रही थी विच इज टोटली रॉन्ग आप लोग अगर कर रहे हो एलोवेरा जेल यूज एज अ प्राइमर मेकअप लगाने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए ठीक है अगर आप लोगों का बेस काला नहीं पड़ता है बट मैं एक चीज तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एलोवेरा जेल आपके बेस को लॉन्ग लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता है मुझे नहीं लगता कि वो कर सकता है बिकॉज उसमें ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें जो हमारे बेस को लॉन्ग लास्ट करे है ना सो so, यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई अच्छे सिलिकॉन बेस प्राइमर में इन्वेस्ट करो सिलिकॉन बेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्राइमर का, का काम क्या होता है वो हमारे बेस को लॉन्ग लास्ट करता है और दूसरा काम ये होता है कि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसे ब्लर आउट करने में उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करता है सो यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी प्राइमर विच हैज सिलिकॉन ओके सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप यूज़ करोगे ना तो वो आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा जो केमिकल्स हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन कंसीलर में जितने भी केमिकल्स होते हैं आपके डायरेक्ट स्किन पे नहीं पहुंच पाएगा जस्ट बिकॉज वो एक बैरियर बन जाता है आपके फाउंडेशन और आपकी स्किन के बीच का सो मैं यही कहूँगी कि आप एक अच्छे प्राइमर में तो जरूर इन्वेस्ट करें प्राइमर के बाद बारी आती है फाउंडेशन की फाउंडेशन में हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं फाउंडेशन में जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना वो ये है कि हम रॉन्ग शेड चूज कर लेते हैं एक कंसेप्ट मैं आप लोगों का यहाँ पर जरूर क्लियर करना चाहूंगी बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो रखी है कि हम फाउंडेशन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम गोरे लग सके आई मीन गोरा लगना नो हनी दिस इज नॉट ट्रू आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको गोरा बना सके अगर आप खुद ही सोचो अगर फाउंडेशन आपको गोरा बनाने के लिए होता आप बहुत ज्यादा फेयर लगो इसके लिए होता तो फिर फाउंडेशन में शेड्स ही क्यों रहते उसमें सिर्फ एक ही शेड रहता फेयर का बस आपको सफेद वाला फाउंडेशन ले लो और अपने फेस पे लगा लो हो गए आप गोरे है ना ये लॉजिक बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं है कि आप फाउंडेशन इसलिए लगा रहे हो कि आप गोरे दिख सको नो हम फाउंडेशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है जो अन ईवन स्किन टोन है वो इवन लग सके और हमें एक यू नो फ्लॉलेस बेस मिल सके मेकअप बेस मिल सके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है तो हमारा मिस्टेक पे बात चल रही थी वैसे मिस्टेक ये हम करते हैं कि हम ग्राउंग शेड ले आते हैं बहुत ज़्यादा डार्क में जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लाइट में जाने की जरूरत नहीं है आपको आपका जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन चूज करो ऑनलाइन परचेज ना करें मैं ये सजेस्ट करूंगी क्योंकि ऑनलाइन समझ में नहीं आता कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए आप लोकल मार्केट से जाकर ले सकते हो फाउंडेशन या फिर अगर आप ऑनलाइन ही परचेज करना चाहते हो तो मैं एक टिप आपको यहाँ पे दे सकती हूँ कि आप एक काम करो ऐसा कोई ब्यूटी ब्लॉगर को देखो ऐसे कोई कंटेंट क्रिएटर को लो जो यू नो मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाता हो और उसका जो स्किन कलर है ओरिजिनल जो उसका स्किन कलर है आप उसका देखो कि आप वो कौन सा शेड का फाउंडेशन यूज कर रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड देख सकते हो या फिर आप मेरा भी ले सकते हो अगर आप मेरी वीडियोज देखते हो अगर आप मेरे स्किन कलर के हो जो मेरा स्किन टोन है वही स्किन टोन आपका भी है तो आप मैं जो शेड यूज करती हूँ फाउंडेशन में आप वो भी ट्राई कर सकते हो दिस इज ऑल अप टू यू So yeah, आपको अपने ही स्किन टोन का फाउंडेशन लेना चाहिए तभी आपको यू you नो know, वो वाला मजा आएगा मेकअप करने में जो आना चाहिए हमें नाउ फाउंडेशन में एक और चीज मैंने देखा है कि आप लोग ब्लेंड प्रॉपर नहीं करते हो मैं मुझे भी पहले नहीं आता था अब बहुत अच्छे से आ गया है हम धीरे धीरे ही सीखते हैं ऐसा नहीं कि रातों रात आप सीख जाओगे कुछ तो भी मैजिक हो जाएगा और आपको सब कुछ आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ब्यूटी ब्लेंडर और स्पॉन्ज आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से आराम से वक्त लेकर ब्लेंड करो आप को यू नो ब्लेंडिंग इज़ एवरी थिंग इन योर बेस मेकअप रूटीन जितना अच्छा जितने आराम से आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा और आपको फ्लॉलेस बेस भी मिलेगा सो so, हमेशा याद रखना एक गुड क्वालिटी ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करो और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में फाउंडेशन के बाद बारी आती है कंसीलर की सो so कंसीलर में भी शेड का ही मैटर है शेड आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो लो हाँ कंसीलर में एक चीज़ और है कि अगर आप चाहें तो एक शेड लाइट जा सकते हैं अपने स्किन टोन से वो क्या करता है वो आपके अंडर आई एरिया और ब्रिज ऑफ दी नोज और कुछ हाइएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करने में हेल्प करता है पर अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ज़रूरत नहीं है ये हाईलाइट वाईलाइट करने की जस्ट इन्वेस्ट इनाम यू नो गुड क्वालिटी कंसीलर और जो आपका शेड हो उसमें इन्वेस्ट करो और मैं एक सजेशन यहाँ पर आपको ये दूंगी कंसीलर के लिए कि एक स्टिक फॉर्म वाले कंसीलर पे इन्वेस्ट करो जो इसमें स्टिक होती है आप स्टिक से बहुत प्रिजाइज़ वे में लगा सकते हो कंसीलर यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये कहते हैं कि जब हम कंसीलर लगाते हैं अंडर आई एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो वाइट वाइट लगने लग जाता है ऐसा लगता है हमने कुछ तो भी बहुत सारा लगा लिया है यहाँ पर और ये हिस्सा अलग से दिखने लग जाता है और बहुत ज्यादा क्रीज लाइन आ जाती है वहाँ पे वो आप लोगों को पसंद नहीं आता है केकी केकी बहुत सारा हो जाता है यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कई लोगों से पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था मैं बताती हूँ ये ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि आप लोग क्या करते हो आप लोग स्टिक लेते हो और पूरा यहाँ पे घस लेते हो ऐसे नीचे में वो बिल्कुल गलत है वो मेथड है ही नहीं कंसीलर लगाने का आप लोगों को क्या करना है ये जो इनर वाली दिख रहा है आपको पार्टी इनर कॉर्नर जो है हमारा यहाँ का यहाँ पर स्टिक की हेल्प से बिल्कुल थोड़ा सा कंसीलर यहाँ लगाएं और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगा लें ठीक है ये दो जगह पर आपने लगा लिया एंड यू आर सॉर्टेड बस इसे ब्लेंड कर लो क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत कुछ लगा लिया आपने बिल्कुल भी नहीं लगेगा मैंने कई लोगों को देखा है वो ऐसे पूरा वी शेप में ऐसे खूब सारा लोग यहाँ पे लगा लेते हैं मुझे नहीं समझ में आता वो पहले मैं भी इसे वी शेप में लगाती थी मुझे समझ में आया नो दिस इज रॉन्ग मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए जो मैंने आपको बताया ना वो राइट है और उससे बहुत ज्यादा मेकअप नहीं दिखेगा आपके फेस पे ऐसा नहीं लगेगा हमने कितना सारा मेकअप कर लिया है ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा बहुत मिनिमल सा मेकअप लगेगा और यू you नो know, आपकी स्किन जो है वो आपकी स्किन स्किन दिखना चाहिए है ना ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन अलग है और आपने ऊपर से कुछ और लगा रखा है ये बिल्कुल नहीं है मेकअप करने का मेथड और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहता होगा कि हमारी स्किन से अलग से कुछ तो भी और लग जाए हमारे फेस पे मुझे ये नहीं लगता सो योर स्किन शुड लुक लाइक अ स्किन उसके लिए मैंने जो जो आपको बताया है वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी तभी आपका बेस जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा अच्छा कंसीलर को हम ब्लेंड तो कर लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने ब्लेंड कर लिया बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लगता है ये करते हैं कि पाउडर अच्छे से नहीं लगाते यहाँ आप पर आपको एक सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप का जो टेपर्ड ब्रश होता है ये जो ऊपर से ऐसा थोड़ा पॉइंटेड होता है ये वाले ब्रश में इन्वेस्ट करो इससे पाउडर लगाओ ऐसे अंडर आई एरिया में हल्का हल्का सा यहाँ पर लगा लो उससे बहुत मजे का कंसीलर आपका सेट हो जाएगा कंसीलर के बाद आता है लूज़ पाउडर आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हो हम क्या करते हैं हम पूरे हम फाउंडेशन लगा लिए कंसीलर लगा लिए हम पूरे फेस में पाउडर पाउडर लगा लेते हैं उससे क्या हमारा बेस फ्लॉलेस नहीं दिखता बट पाउडरी पाउडरी और पैचेस आने लग जाते हैं जो बिल्कुल यू नो बहुत गंदा दिखता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो हमें क्या करना है सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पर लूज़ पाउडर लगाना है क्यों लगाना है क्योंकि हमें अपने कंसीलर को सेट करना है जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया लाइक like आपने यहाँ पर लगाया यहाँ लगाया और यहाँ पे फोर हेड पे भी लगाया अपने चीन एरिया पर लगाया है कंसीलर बस वहीं वहीं पर इस ब्रश की हेल्प से आपने ऐसा सेट कर लिया पाउडर को यहाँ पर यहाँ पर बस यू आर डन ओके सो लूज पाउडर हो गया अब इसके बाद हमें अपने मेकअप बेस को लॉन्ग लास्ट करना है उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा एक गुड क्वालिटी मेकअप सेटिंग स्प्रे में पहले मैं क्या करती थी स्प्रे करती थी और उसे ऐसे ही छोड़ देती थी उससे क्या होता था जो हमने कंसीलर को सेट करने के लिए लूज पाउडर लगाया है ना वो लूज पाउडर और वो मेकअप स्प्रे दोनों मिल जाते थे और पैचे बनाना स्टार्ट कर देते थे जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पैच ही पैच हो जाता था यहाँ पर अगर मैंने लूज पाउडर से सेट किया यहाँ पर स्प्रे गया वो पूरा पैच 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 आ जाता था जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बहुत गंदा दिखता था मैंने फिर यू you नो know, मैंने भी ये मेथड इंस्टाग्राम पे शायद किसी की वीडियो देखकर देखा था सो so, आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लेना है और उसे डैप 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 करके उसे अच्छे से जो आपने स्प्रे किया है उसे सेट कर लेना है ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप फ्लॉलेस मेकअप बेस पा सकते हो और पैचेस को बाय बाय कह सकते हो ओके गाइस तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी मेरी तरफ से आज आप लोगों के लिए जो चीजें मैंने की है मिस्टेक्स वो गलतियां आप ना करें और मेरे सारे रूल्स को फॉलो करें और आप भी पा सकते हैं फ्लॉलेस मेकअप बेस ओके okay, सो so अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इतन 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 सा भी हेल्पफुल है सो so जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय